देखिए हमारे पास एनडीए 2016 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें बोला ओमेगा वन और ओमेगा टू दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वन के अलावा। यानी कि हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें वन को छोड़ करके ओमेगा ओमेगा टू है, ओमेगा वन और ओमेगा टू, यानी कि ओमेगा वन ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा टू को हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो ओमेगा वन की जगह लिख देते हैं ओमेगा, ओमेगा टू की जगह लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, और उसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये देखिए यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इनटू में ओमेगा, और ये तो ओमेगा क्यूब वन ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर से ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, ये वन हो जाएगा माइनस टू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू, आंसर क्या आ जाएगा माइनस थ्री, फोर्थ ऑप्शन का। ये बच्चों एनडीए 2018 सेकेंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हमारे पास ये दे रखा है और ये चार ऑप्शन दे रखा है। तो हम जानते हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो होता है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ लिखा हुआ ओमेगा ओमेगा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर थ्री एन प्लस में ओमेगा की पावर थ्री एन, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर थ्री एन, तो इसको लिख सकते हैं टू ओमेगा की पावर थ्री और उसकी पावर एन लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब वन के इक्वल होता है टू वन की पावर एन, वन की पावर कुछ भी वन ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा टू, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए बच्चों ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास माइनस वन माइनस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हमें टेन अल्फा निकालना, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे थीटा। तो पहले हम निकाल लेते हैं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हो जाएगा मोड ऑफ बी बाई ए, तो यहाँ पर गौर से देखिए टेन अल्फा, तो ये बी क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन, मोड लगा हुआ तो ये वन आ जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, लेकिन हमारा अल्फा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना होगा कौन से क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का दोनों नेगेटिव है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा अल्फा माइनस पाई, यानी कि पाई बाई फोर माइनस पाई, आंसर क्या आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए एनडीए 2017 फर्स्ट अटैम्प का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमें उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। z इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा अपॉन में वन माइनस, और यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते हैं a माइनस b का, तो वन का स्क्वायर वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और माइनस का टू ए बी यानी कि टू आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा, वन से वन कट ही जाएगा, ये आ जाएगा कितना वन प्लस में टू आयोटा, ये तो कट के कितना आ गया ओनली वन, तो वन को लिख सकते हैं वन प्लस जीरो आयोटा, और अब इसका हमें निकालना और ए, पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर अंडर रूट वन, तो क्या आ जाएगा वन, और उसके बाद हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट थीटा। अब थीटा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या मिल गया है, पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया हमारे पास वन कॉमा जीरो, तो वन कॉमा जीरो कहाँ पे होगा x पे वन कॉमा जीरो, तो ये इस एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, ये वन कॉमा जीरो है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा जीरो, तो मॉडुलस आ गया वन आर्ग्यूमेंट जीरो, कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। देखिए हमारे पास एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये हमसे पूछा नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस में माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, उसकी पावर क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव रेस टू दी पावर एक्स, तो ये क्या हो गया फाइव रेस टू दी पावर x बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा फाइव रेस टू दी पावर x, तो इक्वेट कर देते हैं पावर को, x बाई टू इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो देखिए हमसे पूछा नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना होगा, तो एक ही तो इसका जीरो है, वो भी जीरो है, तो इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा। एनडीए 2017 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दे रखा है लेस देन इक्वल टू 3 और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या देखिए, हम इसकी वैल्यू निकालना था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z प्लस में 5 और प्लस में माइनस का 4, इसका मॉडुलस हमें निकालना है। तो इसको हम और अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो z प्लस 5 का मॉडुलस और प्लस में माइनस 4 का मॉडुलस। तो आप दोनों का मॉडुलस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो कितनी है, लेस देन इक्वल टू 3 है, और इसका जो मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 यानी 3 प्लस 4 7, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, फोर्थ ऑप्शन। देखिए एनडीए 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और इसका मॉडुलस हमें निकालने को बोला है। तो इसका मॉडुलस आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी जेड की जगह लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, इसे रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा प्लस में 2 इसे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस आयोटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। देखिए हमारे पास एनडीए 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसे हम सिंपली आसानी से कर सकते हैं, इसे हमें इस पूरे का हमें मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग मॉडुलस निकाल लेंगे और नीचे वाले का अलग मॉडुलस निकाल लेंगे। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा मॉडुलस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस साइन थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 1, सेकेंड ऑप्शन। देखिए एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से एन की वैल्यू, एक बार 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, कहाँ तक डालते रहेंगे, 11 तक, तो डालते हैं इसमें। तो ये पहला टर्म क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा क्यूब, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर n की जगह 3 डालेंगे तो आयोटा की पावर 3 प्लस में आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 4। फिर 4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, जब 11 डालेंगे तो आयोटा की पावर 11 प्लस में आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 12। तो अब हम क्या करते हैं, पहले पहले वाले को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, फिर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या, आयोटा की पावर 11, इसको एक साथ लिख दिया, बीच में प्लस बाद, दूसरा वाले को एक साथ लिख देते हैं, आयोटा का क्यूब आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है, आयोटा की पावर 12, उसे एक साथ लिख दिया। तो हम जानते हैं चार कॉन्जिक्यूटिव आयोटा का सम क्या होता है, 0, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, ये कितना होता है, 0 होता है, कोई भी लगातार चार। तो 2 से 11 तक में कितने टर्म हो जाएंगे, 2 से 11 में हो जाएंगे टोटल 10 टर्म, 10 है, तो एक आयोटा स्क्वायर और प्लस में आयोटा क्यूब बचेगा, बाकी चार चार का पेयर बना के 0 हो जाएगा प्लस। उसी तरह से इसमें भी क्या है, टोटल 10 टर्म है, तो चार चार का पेयर बना के आगे के 8 तो 0 हो जाएंगे या 2 यहाँ बच जाएगा, आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और ये आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देखिए हमारे पास एनडीए 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि n की कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसके लिए आंसर क्या आ जाए 1। तो देखिए मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो तो रेशनलाइज करने के बाद इसका आंसर आएगा आयोटा, और ऊपर माइनस नीचे प्लस लिखा होता है इसका आंसर रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा माइनस का आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर। तो ऐसा कब होगा, जब 1 आने के लिए माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो इसको क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा, 4 होगा तभी ये 1 होगा, यानी कि n स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा 4, तभी जाके ये 1 होगा, तो n को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो क्या होना पड़ेगा 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। देखिए हमारे पास एनडीए 2019 सेकेंड टर्म का क्वेश्चन है, जिसमें
एक्स वन प्लस आयोटा के इक्वल है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स की पावर फोर कॉमन ले लेते हैं। एक्स की पावर फोर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस में वन। कोई इक्वेशन वन लिख दिया, आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास है एक्स इक्वल टू वन प्लस आयोटा, तो हम एक्स स्क्वायर पहले निकालते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वन का स्क्वायर वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू आयोटा, ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टू आयोटा। तो सिंपल इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू आयोटा प्लस वन और एक्स, और एक्स की पावर फोर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो ये कितना हो जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर प्लस में वन। तो ये हो जाएगा टू आयोटा प्लस वन, फोर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का फोर प्लस वन, यानी कि टू आयोटा प्लस वन और ये आ जाएगा माइनस का थ्री, माइनस सिक्स आयोटा माइनस का थ्री, ये आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स आयोटा माइनस थ्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन। देखिए हमारे पास एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जिसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी, चार ऑप्शन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से आयोटा की पावर 1000 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन प्लस में आयोटा की पावर वन प्लस आयोटा की पावर टू प्लस आयोटा की पावर थ्री, ये आयोटा की पावर जीरो, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर जीरो। तो ये चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गए, तो ऐसे केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर थाउजेंड इंटू में जीरो, आंसर क्या आ जाएगा जीरो, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए एनडीए 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जिसमें बोला है द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर। क्या डिफरेंस, किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया एक टू प्लस थ्री आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो हमने लेट कर लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर टू माइनस थ्री आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, उन्होंने बोला इसका डिफरेंस, जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो टू से इधर टू कट जाएगा, जब इसका डिफरेंस करेंगे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट तो ये कितना आ जाएगा माइनस सिक्स आयोटा, यानी ये इमेजिनरी नंबर है, बिल्कुल सही फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोला है द सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट, और जब हम इसका हम सम करेंगे जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो ये इमेजिनरी वाला कट जाएगा, क्या बचेगा फोर, यानी कि बिल्कुल प्योरली रियल नंबर बनेगा, ये भी सही, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट।